नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 30 सितंबर है, सितंबर माह का आखिरी दिन है और आज गुरुवार है। सरसों पर और नरमा पर और थोड़ी सी बात बासमती पर। उससे पहले निवेदन आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। आप शेयर और लाइक करते हैं, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं, जिसने इसी तरह से बनाए रखिए। देखिए, सरसों पिछले कई दिन से, पिछले 5-7 दिन से लगातार जो है एक दबाव महसूस कर रही है, एक स्टेबिलिटी पर खड़ी है। ना बहुत बड़ी तेजी आ रही है, ना मंदा आ रहा है, जो कि संभावना बाजार की जो गतिविधि है उसको देख करके मैं रोजाना ये बात कह रहा हूँ कि अब सरसों में कोई बड़ी तेजी एकदम से आने वाली नहीं है और न ही कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। आज वायदा बाजार में सुबह थोड़ी सी हलचल ठीक थी, तेजी की तरफ मामला लग रहा था, लेकिन शाम होते होते फिर थोड़ा सा ये डाउन होकर के बंद हुई है 8450 के आसपास। लेकिन आप ये मान के चलिए कि सरकारी दबाव के बावजूद सरसों अगर स्थिर बनी हुई है तो ये भी एक इसकी मजबूती का कारण है और आने वाले दिनों के अंदर सरसों में न तो कोई बड़ी गिरावट दिखाई देगी और न ही कोई बड़ी आपको तेजी दिखाई देगी। इसलिए सरसों इसी दायरे के अंदर कुछ दिन काम करती रह सकती है। व्यापारियों को ये दहशत बनी हुई है व्यापारियों में कि सरकार इस पर तेल तिलहन पर कोई स्टॉक लिमिट ना लगा दे, इसलिए कुछ लोग अपना माल बेच रहे हैं और बिकवाली ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ा डाउन महसूस कर रही है, दबाव महसूस कर रही है। और अभी गिरावट का कोई बड़ा कारण दिखाई नहीं दे रहा है, फंडामेंटल बहुत मजबूत है, फसल आने में बहुत टाइम पड़ा है, 5 महीने तो कम से कम है। अगले महीने से, यानी जो कल से अक्टूबर शुरू हो रहा है, इससे बिजाई शुरू होने वाली है, बिजाई के लिए भी सरसों बीज की आवश्यकता पड़ेगी। कुल मिलाकर के बाजार का जो ट्रेंड है वो अभी न तेजी की तरफ है न मंदी की तरफ है। तो कारोबार करते समय और इससे किसी तरह का व्यापार करते समय आप थोड़ा इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नरमा के अंदर देखिए, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी तेजी बन रही है और ये तेजी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ सकती है। आज कई मंडियों के अंदर 7400 से आगे का भाव मिला है नरमा को, तो ये संकेत है कि ये जो नरमा है ये आने वाले दिनों में और अच्छी रफ्तार पकड़ेगा। बात करें बासमती की, तो बासमती की भी स्थिति यही है। बासमती अब धीरे धीरे तेजी की तरफ चल रहा है, आज थोड़ा सा स्थिरता का भाव लिए हुए है, आज कहीं ज़्यादा बड़ी तेजी दिखाई नहीं दी है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा और आगे बढ़ेगा मामला, आवक जैसे बढ़ेगी तो थोड़ी सी इसको दबाव में महसूस होगा, लेकिन कमज़ोरी कहीं नहीं है इसमें, कोई आपको मंदी दिखाई नहीं देगी इसमें, आपको तेजी का ही रुख बना हुआ मिलेगा। तो आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज सरसों का भाव भरतपुर में रहा है 8233, जो कल भाव था लगभग वही भाव है। जयपुर 8725, खैरथल 8430, गंगापुर सिटी 8300, निवई मंडी 8575, ग्वालियर 8200, टोंक 8555, हिंडौन 8300, आगरा 9400। ये 9400 का भाव सलोनी का है और सलोनी में आज 100 रुपये का सुधार दिखाई दिया है। बारा मंडी में 7971, बूंदी में 7836, एलनाबाद में 7560, अलवर में 8400, नागौर में 8233, शिवानी मंडी में 7750, सिरसा में 7700, बरवाला में 7800, हिसार में 7800, जोधपुर में 8150, हापुड़ में 8475, बीकानेर में 7400, कोटा में 7600, सुमेरपुर में 8150, गंगानगर में 8002, मोरेना मंडी में 7850, संगरिया में 7630, रायसिंह नगर में 7757 और गोलूवाला में 7761। ये थे सरसों के भाव। अब नरमा देखते हैं। नरमा सिरसा में बिका है आज 7151 रुपये, एलनाबाद में 7183 रुपये, मोड़ मंडी में 7100 रुपये, नरवाना में 7100 रुपये, फतेहाबाद में 6810 रुपये, सरदूलगढ़ मंडी पंजाब की 7380 रुपये, गंगानगर में 7352 रुपये, हनुमानगढ़ में 7276 रुपये, रावतसर में 7444 रुपये, बरवाला में 6950 रुपये, भट्टू में 7055 रुपये, रायसिंह नगर में 7450 रुपये, गोलूवाला में 7601 रुपये, 7476 रुपये नरमा बिका है करणपुर में। बासमती के भाव रादौर में आज रहे हैं 3150 रुपये, गढ़मुक्तेश्वर में आज भाव रहा है 3150 रुपये और जहांगीराबाद मंडी में आज भाव रहा है 3100 रुपये। 1509 के वैरायटी के भाव हैं ये।
समालखा में आज 3,083 रुपये, अलीगढ़ में 3,165 रुपये, पानीपत में 3,231 रुपये, तरावड़ी मंडी में 3,131 रुपये, टोहाना में 3,240 रुपये, खैर मंडी में 3,150 रुपये, अमृतसर में 3,151 रुपये, तरन तारण में 3,196 रुपये और नरेला मंडी में आज भाव रहा है 3,161 रुपये, कोटकपुरा में 3,200 रुपये, डिबई मंडी में 3,131 रुपये। आज भाव की स्थिति यहीं तक और कल फिर आपसे इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।